कहाँ ले जाने हैं? चलना था यार, मैं लाइन सब ऊपर बैठे हुए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यही है नौशी लाउंज में। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू यूज इट, व्हाट टू यू, व्हाट डू यू वांट टू यूज सारा? जल्दी जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लो। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो ये बताओ। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो, शेयरिंग करते जाओ, बिकॉज एज ऑलवेज फ्री सैम्पल फॉर ऑल शेयरर्स और सारे टैग करने वालों को भी। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आज मैंने सोचा कि मैं ड्रेस अच्छा पहनती हूँ और जो है ना तैयार मैं तुम लोग के साथ होंगी, बिकॉज हमेशा हम स्टार्ट किससे करते हैं? स्किन केयर से। आज हम स्टार्ट करेंगे मेकअप से। थैंक यू जेब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जल्दी जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन कर लो, बिकॉज फ्री सैम्पल इज फॉर ऑल शेयरर्स टुडे। एक मिनिमल सा, एक अच्छा सा जो है ना वो मैं नो मेकअप लुक करूंगी, तुम लोग के साथ शेयर करूंगी और साथ साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। और अगर मज़ा आया आज के लाइव में, अच्छे से व्यूज़ हुए, तो लकी ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे प्लीज़ फोर्स मत करना। अच्छे व्यूज़ नहीं दिए, अच्छी शेयरिंग नहीं की, फिर नहीं फोर्स करना। फोर्स करना मुझे लकी ड्रॉ के लिए जब तुम लोग अच्छी शेयरिंग करो। वैसे तमाम शेयरर्स के लिए फ्री सैंपल मैंने बोल दिया। मेरी जान, डार्क सर्कल किसी के 2-3 हफ्ते में भी सेट हो जाते हैं, 4-6 वीक्स भी लग जाते हैं। डिपेंड्स कि आपके डार्क सर्कल्स का रीज़न क्या है, कितने पुराने हैं, कितने ज़्यादा हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आए कि जिनके यहाँ तक पूरे गोल गोल डार्क सर्कल्स, उनको 2-3 महीने भी लगे, समझ रहे हो आप? बाकी अगर अच्छा, कुछ लोग की ना खून की कमी की वजह से भी होते हैं, डार्क सर्कल्स की बात कर रही हूँ, तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी अपनी डाइट का, अपनी नींद का भी साथ साथ बहुत ख्याल रखें। मलिहा मेरी जान, मूज ले लो, सॉफ्ट मैट मूज ले लो, बेस्ट है, अमेजिंग है, फ्लॉलेस मेकअप के लिए। ड्राई स्किन के लिए जहरा हर्बलाइट का 24 कैरेट गोल्ड सीरम आई विल रिकमेंड 100%। तुम मतलब खुश हो जाओगी, ऐसा प्रोडक्ट है। गोल्ड सीरम वाइटनिंग क्रीम में बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, बल्कि मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है? ये मेरा पुराना वाला, नया वाला है कौन सा? मेरा नया वाला कहाँ चला गया? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। थैंक यू सो मच। आज तो मैं बिल्कुल जो है ना, समझो कि वो जो कहते हैं ना कि बस ऐसे ही आ गई हूँ उठ के, जस्ट अच्छे से चेंज करके, ऐसी मतलब के ना मैंने कोई क्रीम लगाई, कुछ भी नहीं किया, तुम लोगों के सामने टोनर लगाया अभी, बस ठीक है मरियम, फिर तो इंशाल्लाह जल्दी सेट हो जाएंगे, बस नींद पूरी किया करो। साथ साथ अब मैं तुम लोगों को बताऊं कि हल्का सा शायद तुम लोगों को मेरे फील होता हो, 3-3 घंटे नींद लेती हूँ, डार्क सर्कल सीरम यूज़ करती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। अगर मैं जितनी मैं नींद लेती हूँ ना, 3-4 घंटे, तो मेरे डार्क सर्कल्स इतने हो जाए, फिर भी तुम्हें हल्का सा शायद नजर आए, क्योंकि बीच में मैं कभी कभी 2-2 हफ्ते हो जाते हैं भूल गई, नहीं दिमाग मेरा। तुम लोगों को इतना समझाती हूँ, इतना सजेस्ट करती हूँ, और मेरी जान जहरा बेफिक्र होकर आप यूज़ कर सकते हो हर्बलाइट के प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर उन फॉर दोज पीपल जिन्होंने स्किन केयर नहीं की, जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और ये सारे मसले। हाँ मलिया मेरी जान, आप मैट लुक नहीं चाह रही ना, मैं समझ गई, जब भी तो मैंने आपको बोला आप वो ले लो। अच्छा भाई, कहाँ चला गया मेरा प्राइमर? जब भी मुझे चाहिए होता ना कोई चीज मेरी गायब हो ही जाती है। आला प्रोडक्ट है आपके, थैंक यू सो मच। व्हाइटनिंग किट की प्राइस रिजवाना मेरी जान 2750 आई गेस, या 20
699 है, न्यू ईयर की डील्स पेज पे लगी हुई है। जो मुझसे तुम लोग डील्स के प्राइजेस पूछ रहे हो ना, उन तमाम लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डील्स के प्राइजेस जो है ना, मेरी जान अभी मैं मूव्स दिखाती हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मेकअप बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा सा रेडी हो रही थी। अब इतना अच्छा यू नो डार्क वेलवेट का सूट तो पहन लिया है, उसके साथ ये सिंपल फेस तो नहीं अच्छा लगेगा। और बताओ कैसे हो तुम लोग, क्या चल रहा है लाइफ में? सर्दी इतनी हो गई है, पंजाब वाले बताएं कि क्या हाल है, बिकॉज कराची में तो भाई बोला है कि, वैसे कराची वाले मजाक ही उड़ा रहे हैं इस बात का कि सर्दी यू नो ज़ीरो पे चली जाएगी, -1 पे चली जाएगी कुछ एरियाज में। वैसे 5-6 की जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, पेशन गोई। वेदर फोरकास्ट जो है वो 5-6 की है। स्किन कैसी है शाहिद लतीफ? हाँ, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन रफ है, दिस सीरम इज फॉर ऑल दोज पीपल। आपकी वाइटनिंग किट छा गई है डियर, अपनी सिस और नंद को भी मंगवा के दी है आपसे, थैंक यू सो मच, रिव्यू ज़रूर देना। मेरी जान ये सूट ना मैंने अपनी, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, तुम लोग बोलोगे शबक अपनी शादी वाले जो है ना, वो जो शादी पे सूट बनाए थे वही पहन के आ जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि जब शादी के फ़ौरन बाद आप बच्चे में पड़ जाते हो तो आपके वो जो सूट होते हैं जो आपने इतनी खुशी से इतने उससे बनाए होते हैं, वो पहनने का मौका टाइम नहीं मिलता। तो फिर जब बेबी होने के बाद जब बंदा वेट कम करता है ना, वो जो खुशी होती है, और उसके बाद जब वो सारे कपड़े पहनते हैं जो उसने एक एक बार पहने होते हैं या बिल्कुल भी नहीं पहने होते। तो ये सूट मेरा उस वक्त का है, 2020 की सफ़ायर की विंटर कलेक्शन का सूट है। जी फायजा मेरी जान, अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी कि ये जो सिरम है ना हर्बलाइट का, अच्छा इसकी पूरा जो है ना ड्रेस मुझे बिल्कुल फिट आ रहा है, सिर्फ यहाँ से मुझे लग रहा है, यहाँ से मेरा हाथ जो है ना अभी सही से पतला नहीं हुआ। गोल्ड सिरम बेहतरीन है, मैं यूज़ कर रही हूँ, स्किन अपलिफ्ट हो गई है बिल्कुल। हर्बलाइट का 24 कैरेट इन्फ्यूजन गोल्ड ट्रीटमेंट सिरम ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लो देता है, स्किन को 12-14 घंटे की हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो है मेरी जान, नाजिया जहाँ ऑर्डर प्लेस किया है वहां बोलो, बिल्कुल लो जहरा, बिल्कुल लो मेरी जान, बिल्कुल। तो क्या बता रही थी, एक तो मैं तुम लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ, फिर जो बात करी थी वो भूल जाती हूँ। व्हाइटनिंग किट में क्या क्या होगा मैं भी दिखा देती हूँ। मेरी जान व्हाइटनिंग किट में होगा आपकी, देखो 3 बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, आपका ग्लूटाथियोन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम, आपका व्हाइटनिंग सिरम और आपका स्पेशल वाइट उपटन पॉलिश। वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके दिन रात की रूटीन में होनी चाहिए, जो आपकी वाइटनिंग, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, फ्रैकल्स का जितने लोग पूछ रहे हैं, पिगमेंटेशन का जितने लोग भी पूछ रहे हैं, टैनिंग का जितने लोग पूछ रहे हैं, झाइयों का जितने लोग भी पूछ रहे हैं, जितने भी ये जो तमाम चीज़ें, इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करता है, इसमें आपका वाइटनिंग सिरम वाइटोप्टन। अब इन तीनों के बड़े स्पेशल तरीके हैं, बड़े स्पेशल फ़ायदे हैं, डिटेल में मैं थोड़ा देर बाद जाऊँगी, ठीक है। मैं तुम लोग के सामने भी वाइटनिंग किट यूज़ कर रही होती हूँ। और अभी मुझे किसी ने कॉमेंट किया था कि मेरी बच्ची छोटी है, बाल उसके पतले हैं, तो मेरी जान हर्बलाइट का ऑयल शैम्पू कंडीशनर, बेसिक डील तुम लोगों को बोलूंगी, जब एक अच्छा ऑयल आप ले रहे हो उसके साथ शैम्पू कंडीशनर लाजमी पैराबिन फ्री यूज़ करो, सिलिकॉन फ्री यूज़ करो, सल्फेट फ्री यूज़ करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर अस बल्कि बच्चों के लिए, तो स्पेशली। तो ये बेसिक डील लो, आपके बालों के हर प्रॉब्लम के लिए बेहतरीन है, वो चाहे छोटा है बड़ा है, चाहे आप पैदा हुए बच्चे को लगा लो, देर इज नो हार्म। मैं अपने बच्चे को भी, जब वो 2 महीने का था, 3 महीने का था, जब मैं एक्टिव हुई थी आफ्टर माई डिलीवरी, मैं उसकी वीडियोज़ लगा रही होती थी ऑयल यूज़ करते हुए, तो बेफिक्र हो जाओ। बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ वो ही रिकमेंड कर रही होती हूँ, ठीक है। बाकी रही जहाँ तक रफनेस की बात, फ्रिजनेस की बात, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज बेस्ट। फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए पाउडर फाउंडेशन ले लो अगर फुल कवरेज चाहिए, और अगर नॉर्मल मीडियम कवरेज चाहिए तो आप ड्राई केक ले सकते हो। ये 2 बेस्ट फाउंडेशन है हमारे ऑयली स्किन के लिए। हैंड स्वीट वाइटनिंग के लिए हमारी हाथ पाँव की वाइटनिंग की क्रीम आती है, जो सबसे इस वक्त बेस्ट जा रही है, जो मतलब जिसके पीछे लोग क्रेजी हुए हैं, 10 आपके
यार आप लोगों के तो पार्सल ही नहीं मिलते, मेरी जान क्यों नहीं मिलेंगे? अगर आपको पार्सल नहीं जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, मुझे ये बताओ। आई नो TCS वाले बहुत गंद कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, इतने रॉन्ग ऑर्डर्स रिटर्न करते हैं, और मैं उसको फॉरन चेंज कर रही हूँ इसी हफ्ते, ठीक है? अगर आपको आपका पार्सल नहीं मिला, आप मुझे कंप्लेन वहीं पे मैसेज करो जहाँ आपने ऑर्डर दिया था। मेयोनीज का यूज मेरी जान क्या नाम है, अपना बालों में आप लगाओ, तेल लगे हुए बाल हैं, ड्राई बाल हैं, जैसे भी बाल हैं, इसको मिनिमम 1 से 2 घंटे लाजमी छोड़ो। पूरी रात भी छोड़ दोगे तो आपको फायदा देगी, नुकसान नहीं देगा। रफनेस, स्प्लिट एंड्स और इस तरह के जितने भी मसले, फ्रिजनेस, बाल जूना बन गए, खराब हो गए, तमाम चीजों के लिए बेहतरीन है, ठीक है? बाकी हैंड्स, फीट एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम का ये है। हाँ मैं भी ये सोच रही हूँ कि TCS को ख़त्म कर दूँ, लेपर्ड पर आ जाऊँ। लेपर्ड कैसा है तुम लोग मुझे बताओ, और प्लीज़ शेयरिंग करो, अगर अच्छी शेयरिंग गई तो हम मज़े का एक लकी ड्रॉ करेंगे, और तमाम शेयरर्स के लिए फ्री सैंपल है। जल्दी जल्दी से शेयरिंग करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ईशल। अच्छा इसके अलावा मुझसे क्या पूछा था, स्किन बहुत डल हो रही है, वाइटनिंग की यूज़ कर लो मिशाल, आप चाहो तो ओनली क्रीम भी ले सकते हो। ऑयल लगा हुआ बिल्कुल जहरा, मैं तो मेरी जान ऐसा करके दिखा चुकी हूँ। हैंड्स, फीट एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम मेरी जान, उसकी प्राइस है, लेपर्ड बेस्ट है, बस ठीक हो गया, मुझे भी किसी ने सजेशन दी थी। 699 हैंड्स, फीट एंड बॉडी वाइटनिंग क्रीम, 699। आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ये मैं बता दूँ। यार मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, वालेकुम अस्सलाम भैया, तुम लोग मुझे कितना मतलब मुझे नहीं, मेरी टीम को कितना अक्सर लोग सुना देते हैं, सॉरी, कितने अजीब अजीब कमेंट करते हैं कि यार पार्सल नहीं भेजना था तो ऑर्डर क्यों लिया ये वो। अभी मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, तुम लोग को कितना नुकसान होता है कि ऑर्डर नहीं मिला, लेट हो गया। यकीन करो लाखों रुपए का नुकसान TCS वाले हमें दे रहे हैं, और मैं इस पर सीरियस बात करने वाली हूँ, बिकॉज इतने रॉन्ग रिटर्न कि मैं बता नहीं सकती है। मैं अब तंग आ गई हूँ बोल बोल के, कसम से अब मैं थक गई हूँ उनको बोल बोल के, और अब मैं सिर्फ चेंज करूँगी बस। अच्छा भाई मैंने ग्लास स्किन प्राइमर लगाया हर्बलाइट का। अच्छा ये जो प्राइमर है ना, ये ऑल स्किन टाइप प्राइमर है, ये स्किन को हाइड्रेट करता है मगर ऑयली नहीं करता, और इतना ज़बरदस्त ये आपके ग्लास स्किन कर देता है, और आपके पोर्स, आपके जो फ्लॉज होते हैं, लाइंस, उनको फुल ब्लर कर देता है, तो एक बेहतरीन, और आपके फाउंडेशन को फिक्स करके रखता है अपने साथ। नाइट क्रीम मेरी जान बेस्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज करनी है, सेंसिटिव स्किन वाले हैं, टीनेजर्स हैं, सबके लिए बेहतरीन है। यार उपटन बहुत फिट है, जब भी लगाती हूँ दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करोगी ना हबले की, इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश होगा। अच्छा ये है मैट मूज फाउंडेशन, जो मैं सजेस्ट करी थी नॉर्मल स्किन वालों के लिए, बड़ा ही बेहतरीन है, ना ड्राई ना ऑयली, बहुत मजे का इसका टेक्स्चर है, मैं भी यूज करके दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं कंसीलिंग के लिए यूज़ करूँगी हर्बलाइट का जो है ना, ये HD स्टिक फाउंडेशन। हेयर ग्रोथ सीरम मेरी जान लॉन्च होने वाला है, हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज प्राइस 999 डिस्काउंट में, ऑयल एंड शैम्पू 1350 है, 1299 है, पता नहीं कितना है, न्यू ईयर डील्स देख लो ना। हेयर के लिए ज़रा मेरी जान हर्बलाइट की हेयर डील यूज़ करो, बेस्ट है। 3-4 तरह की हेयर डील हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आपको ऑयल शैम्पू चाहिए, आपको कंडीशनर के साथ चाहिए, या आपके बाल फ्रिजी भी हैं, डैमेज भी हैं, और आपको किसके साथ चाहिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट के साथ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। HD स्टिक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको प्रॉपर फाउंडेशन के तौर पर भी तुम लोग लगा सकते हो। इस तरफ का जो लुक है हम करेंगे HD स्टिक से, इस तरफ का लुक करेंगे हम मूज फाउंडेशन से, ठीक है जी? तो ये मैं ले रही हूँ 38 नंबर, सिर्फ किस लिए,
कंसीलिंग कर रही हूँ हल्की हल्की से। अच्छा, बाकी जहाँ तक बात रही कि यार हाथ ड्राई हो जाते हैं, हाथ रफ हो रहे हैं, तो हर्बलेड का हैंड्स फीट एंड बॉडी मॉइस्चराइजर बेस्ट है इस चीज़ के लिए। आपकी स्किन को ब्राइटनेस भी देता है और आपको मॉइस्चराइजिंग भी देता है। ये नहीं कि वो जो एक होता है ना नॉर्मली हमारे लोशन मॉइस्चराइजर स्किन को क्या कहते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डल डल लगने लगती है स्किन। अक्सर लोग ना मॉइस्चराइजर इसलिए नहीं लगाते कि हमारी स्किन जो है वो डल लगेगी, लेकिन हर्बलाइट का जो वो है ना मॉइस्चराइजर, वो ब्राइटनेस भी देता है। शफक, मैं आपकी टॉप फैन बन गई हूँ, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। ओके नायला, आप नेक्स्ट ऑर्डर पे मेरी जान, आपको मेरी तरफ से एक फ्री सैम्पल फ्रैकल क्रीम ग्लूटाथायोन नाइट वाइटनिंग क्रीम यूज करो हर्बलाइट की, फ्रैकल्स पिगमेंटेशन सबके लिए बेहतरीन है। ठीक है, दिस वन बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम है। व्हाइटनिंग किट से मेरी पिगमेंटेशन 3 महीने लगे 90% खत्म हो गई है। योर प्रोडक्ट्स आर जस्ट एन अमेजिंग प्रोडक्ट इन होल वर्ल्ड इन रीजनेबल प्राइसेस। दिस कमेंट हैज माय होल हार्ट, थैंक यू सो मच कमल। जितने लोग पिगमेंटेशन का पूछ रहे हैं, कमल का कमेंट भी पढ़ लें। किंजा मेरी जान, हर्बलाइट के प्रोडक्ट आप ट्राई करो और आप खुश हो जाओगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, इसको हम, इस तरफ को हम HD स्टिक से करेंगे, इस तरफ को हम मैट मूस से करेंगे। तो मैट मूस का डार्क शेड ले रही हूँ, इसका तो जो टेक्सचर है ना, इसको बस यूं लगा लो, खत्म, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस यूं लगा लो और आपका काम क्या हो गया, ख़त्म। इतनी से जो फिंगर हम स्वैच करते हैं ना, पूरे फेस उससे कवर हो जाएगा, ये ऐसा है। नेचुरल कलर के लिए स्टिक का 45 नंबर ले लो, बेस्ट रहेगा। अच्छा भाई, स्टिक का मैं शेड ले रही हूँ F1, मुझे F1 मेरे कलर पे ज़्यादा जाता है। F1 जो है वो फेयर शेड है। फ्रैकल क्रीम मेरी जान 950 की है डिस्काउंट में, क्रीमी टेक्सचर है, अमेजिंग इसकी कवरेज है, तुम लोग देख सकते हो। बहुत ज़्यादा लगा लिए, मुझे इससे बहुत कम लगानी होती है, लेकिन सिर्फ वीडियो में थोड़ा सा और दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ, क्योंकि चीज़ जो है ना वो वीडियो में थोड़ा कम दिखती है। आपकी नाइट क्रीम ऑसम है, थैंक यू सो मच। और ब्लेंडिंग तो मतलब कमाल है ना, बस कुछ नहीं करो ब्लेंड हो जाएगा। जितने भी फाउंडेशंस हैं हर्बलाइट के, बेहतरीन, मतलब बहुत मैंने लाइट साइक यू नो वो किया है कि एक नेचुरल भी लगे और अच्छा भी लगे। वालेकुम अस्सलाम। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मैंने लाइट नहीं ऑन की हुई है, मैं तुम्हें लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। सारा मेरी जान, तुम इनबॉक्स करके ईशल को बोलना तुम्हारी शफक से। अब ये मैंने तेज़ लाइट ऑन की, ये मैंने वार्म लाइट ऑन किया, ये मैं तुम लोगों को ये दिखा रही हूँ कि लाइट ये होती है, मैं तुम लोगों को लाइट के बगैर दिखा रही हूँ। पिगमेंटेशन के लिए व्हाइटनिंग किट का यूज़ बता दें मेरी जान। व्हाइटनिंग किट अभी मैं खुद इस्तेमाल करूँगी, अपनी नाइट केयर रूटीन तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर तुम लोग देखना। अच्छा भाई, इस साइड को हम लोगों ने कर लिया है किससे, अपने स्टिक फाउंडेशन से, बहुत लाइट सा मैंने रखा है आज। बड़ा एक जो मैं तैयार होती हूँ ना, जैसे वैसे ही तैयार होने का मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, अब ये वाली साइड पे हम यूज़ करेंगे मूस फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन जो है ना कमाल, तुम लोग मतलब पागल हो जाओगे, कुछ और यूज़ करने का आई स्वेयर दिल नहीं करेगा, ये इतना मज़े का है। आइवरी इसमें मेरा शेड है। और नाइट क्रीम मेरी जान दो तरह की होती है, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए है। ना बहुत ड्राई है ना बहुत ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप नाइट क्रीम में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिला सकते हो, ठीक है। अच्छा, हैंड रिंकल्स के लिए मैं एक चीज़ बता दी हूँ, पिगमेंटेशन के लिए मेरी जान ये रही व्हाइटनिंग किट। एक तो तुम लोगों को छोड़ छोड़ के बार बार मुझे दिखाना पड़ता है, दिस इज व्हाइटनिंग किट। पूरी व्हाइटनिंग किट नहीं लेना चाहते, ओनली नाइट क्रीम भी ले सकते हो, लेकिन एक वो जो होता है ना कि एक्स्ट्रा शश के, ज़रा और ज़बरदस्त रिजल्ट वाला वो जो सीन हो जाता है,
क्योंकि उसमें आपकी दिन रात की सारी चीजें आ रही हैं। आप इसके इस्तेमाल का प्रॉपर तरीका मैं हमेशा बताती हूँ, अभी भी बताऊंगी लेकिन खुद इस्तेमाल करके, ठीक है। अभी मैं तुम लोग के साथ थोड़ा सा मेकअप लुक भी शेयर कर रही हूँ। मेकअप का तुम लोग हमेशा कहते हो, आज मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, साथ साथ तुम लोगों के सवालों के जवाब भी दे रही हूँ। इतनी सर्दी, मेरी जान मैं कराची में हूँ, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, वरना तुम सही बोल रही हो कि अगर मैं अच्छा इसको फिंगर से भी देख लो, वाओ यूं लगता है ये क्या, मतलब मज़े का फाउंडेशन है ये, बहुत ले लिया मैंने, देख रहे हो। मुझे आप इसको थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने तुम लोग से प्रॉमिस किया है कि आज मैं बिल्कुल मिनिमम लुक रखूंगी, अपना मिनिमम लुक ही रखती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता कहाँ है भाई, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन करती क्या हूँ कि तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, और इतना थोप लेती हूँ इतना थोप लेती कि बस, इसलिए बोल रही हूँ। वरना मुझे अच्छा, वैसे मैं जब तैयार होने पर आती हूँ ना तो कभी कभी बहुत अच्छा मेकअप भी करती हूँ, कभी कभी बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, दोनों का लुक तुम लोगों के सामने है। ये स्टिक फाउंडेशन है, थोड़ा मैट सा लुक दे रहा होगा, और ये है मूज फाउंडेशन। आंख में ब्रश मार लिया मैंने अपनी। वालेकुम अस्सलाम, दिल कर रहा है यहां भी लगा लूं, मुझे इतना पसंद है। अच्छा भाई, फेस पाउडर आ गया है, तुम लोगों को फेस पाउडर दिखाना है हर्बलाइट का। साधिया इधर आओ, साधिया ऊपर जो है ना, इरदा से बोलना, शफवा जी कह रही है फेस पाउडर आया है, उसके तीनों शेड्स दे दें जल्दी से। अच्छा जब तक फेस पाउडर आ रहा है, तुम लोग मुझे क्वेश्चंस करो, मैं तुम लोग को स्किन केयर वगैरह का भी बताती रहती हूँ साथ साथ। थैंक यू सो मच सोना। मूज फाउंडेशन का मेरी जान मैंने यूज किया है आइवरी, मैं सोची हूँ स्टिक कभी ना आइवरी हल्का सा लगा लूं, क्योंकि वहां पे शायद मैंने ज्यादा लगा लिया है तो वो डिफरेंट ना लगे। मेरी जान स्टिक फाउंडेशन है एचडी स्टिक फाउंडेशन ओनली 14-15 डिस्काउंट, मूज फाउंडेशन ओनली 1300, ये शायद 13-15 डिस्काउंट, और सबकी बहुत अमेजिंग डील्स भी चल रही हैं साथ साथ, वो भी तुम लोग देखना। वो कार्डन तो नीचे है, कहाँ पर है नौशीन से पूछो साले, देना जरा साधिया। डार्क सर्कल्स के लिए मेरी जान डार्क सर्कल सीरम यूज करो हर्बलाइट का, डे नाइट दोनों में करो। और जो कोई भी ये पूछ रहा है हाथ पांव के लिए कुछ बता दें, देखो एक तो बेहतरीन चीज हर्बलाइट का फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर, ब्राइटनेस भी देगा, फेस पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, बच्चों के लगाओ, अपने लगाओ। मेरी स्लीव्स अभी बड़ी टाइट है, वरना मैं और अच्छे से तुम लोग को नीचे तक लगा के दिखा दी। मैं ये बैंगल उतार देती हूँ, शादी ला मुझे दिखा दो, मैं खोल दूंगी, खोल दूंगी, खोलो नहीं शादी। बेहतरीन है हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू नादिया, मसाज जितना जा करोगे उतना अच्छा रहेगा शुमाइला, 5-7 मिनट तो करो, आपकी स्किन को एक ब्राइटनेस देता है, साथ में हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। अच्छा एक चीज मुझसे लोग पूछ रहे थे, हाथों पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां झुर्रियां सी आ जाती हैं हाथों पे पाओं पे, स्पेशली इस मौसम में हर्बलाइट की क्रैक हील एंड बॉडी रिपेयरिंग क्रीम तुम लोगों ने लगानी है। आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, एड़ियों पे लाइनें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, आपके हाथ पांव फटे हुए उन पे लाइनें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, झुर्रियां सी पड़ गई हैं, बेस्ट क्रीम है। और ये एक क्रीम पूरा सर्दियां चलेगी, 699 इसकी प्राइस है। इसका टेक्स्चर देख लो, इतना थिक रिच बटर जैसा इसका टेक्स्चर है। जिसने लिए रिव्यूज पहले ग्रुप में जरूर देखना, पिछले 6 सालों के हर्बलाइट को 6 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा फिर बात आती है भाई वाइटनिंग की, तो वाइटनिंग के लिए हमारी फुल बॉडी वाइटनिंग किट भी होती है और हमारी फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम अलग से भी होती है, ठीक है जी। तो ये है फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम,
जो आपने 2 से 3 दफा मसाज करके लगानी है, जहां जहां आपके बॉडी पार्ट ब्लैक हो रहे हैं, आप चाहे वो आपकी आपकी क्रीम, नाइट क्रीम बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, इस तरीके से ना मसाज करो अच्छे से। आप अपनी अंडर आर्म्स पे लगा सकते हो, इनर थाइस पे लगा सकते हो, बॉडी का जो भी पार्ट ब्लैक हो रहा है सबके लिए सेफ है, सबके लिए बेस्ट है। और फुल बॉडी वाइटनिंग किट का भी मैं तुम लोगों को बता दूं, फुल बॉडी वाइटनिंग किट अगर लेते हो उसमें फायदा ये है कि थैंक यू मेरी जान दिया, बिल्कुल भी नहीं है हानिया, वरना मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज ना करके दिखाती नाइट क्रीम, मेरी क्लाइंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज ना करती, टीनेजर्स यूज ना करते, तो बेफिक्र हो जाओ उस चीज से, हील क्रीम में जादू है, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, फुल बॉडी वाइटनिंग किट में आपकी बॉडी वाइटनिंग क्रीम, आपका बॉडी वाइटनिंग शावर क्रीम, स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग के साथ 3 in 1, साथ में आपका वाइट उपटन पॉलिश, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये मिलके बनाती हैं फुल बॉडी वाइटनिंग किट। अब आप चाहे मैनी पैडी के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हो, इसकी मैनी पैडी का तरीका प्रॉपर वीडियो पेज पे पड़ी हुई है, वो जरूर देखना। बाकी ये बेहतरीन है, अगर चाहो तो ओनली क्रीम लेके भी ट्राई कर सकते हो। न्यू ईयर का डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर की डील्स चल रही है, आज के लाइव में तमाम शेयर करने वालों के लिए फ्री सैंपल है प्रोडक्ट्स के, हर शेयरर के लिए डिफरेंट सैंपल हैं प्रोडक्ट्स के, तो शेयरिंग सबने करनी है, 30+ ग्रुप में शेयरिंग करनी है, पब्लिक ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप्स में नहीं करनी, और टैगिंग साथ में लाजमी करनी है, ठीक है। स्किन वाइटनिंग का जो जो कोई भी पूछ रहा है, हर्बलेट की ग्लूटाथियॉन नाइट वाइटनिंग क्रीम, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करो, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, खुद पे भी दिखाई दिए, सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नई चीज तो है नहीं मेरी जान, ठीक है। ग्लूटाथियॉन आपकी अपनी बॉडी में भी होता है, आपका लिवर ग्लूटाथियॉन बनाता है, इंजेक्शंस लोग लगवा रहे हैं वाइटनिंग के लिए, वो भी सेफ है, डॉक्टर से पूछ के जो लोग लगवाते हैं सिर्फ वो, और ग्लूटाथियॉन से ज्यादा सेफ और बेस्ट वाइटनिंग के लिए कुछ नहीं है, बेस्ट और सेफ। प्रेगनेंसी में भी इसको यूज कर सकते हो, ग्लूटाथियॉन के जो इंजेक्शन होते हैं वो हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, लेकिन क्रीम के तौर पर आप कर सकते हो। और अगर आप फुल किट लेना चाहते हो तो फुल किट में हमारी ये तीन चीजें होती हैं, नाइट क्रीम, वाइटनिंग सिरम, वाइट उपटन। मोहम्मद उकबा, आप क्रैक हील क्रीम, अच्छा, मेरे दस साल के बच्चों के पाँव बहुत फट गए थे, जख्म हो गए थे, मैंने क्रैक हील क्रीम यूज की, सब ठीक हो गए, थैंक यू सो मच। फेस ऑयल है हर्बलेट का, जो 24 कैरेट गोल्ड इन्फ्यूजन फेशियल ट्रीटमेंट सिरम है ना, बेस्ट फेशियल ऑयल सिरम है, ड्राई रफ फेस के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, डे क्रीम भी मैं तुम लोगों को बता दूं, डे वाइटनिंग क्रीम हर्बलेट की, ये एक ऐसी क्रीम है कि ये सिंपल वो नहीं है, मेरी जान मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, वो मेरी बहन का है, और उसने जो है ना बस वो मेरी व्हाट्सएप पे लगा दिया था हर्बलेट के, मैंने देखा था और मेरे से बोला था तुमने क्या लगा दिया हर्बलेट के व्हाट्सएप पे, अपना कुकिंग चैनल की वीडियो लगा दी है। मेरी जान, जो लोग फेस ऑयल का पूछ रहे हैं, ऑयल बेस्ड सिरम हर्बलेट का 24 कैरेट गोल्ड इन्फ्यूजन फेशियल ट्रीटमेंट सिरम, बेहतरीन, बेस्ट। अच्छा भाई, डे वाइटनिंग क्रीम का मकसद क्या है? क्रैक हील क्रीम हैंड रिंकल के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरा डब्बा मंगवाया है, रिंकल्स कम हो गए हैं, थैंक यू सो मच। हर्बलेट की डे वाइटनिंग क्रीम 35+ SPF के साथ ना सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन देती है, आपके डार्क स्पॉट्स, आपकी पिगमेंटेशन लाइट करती है, बल्कि उसके साथ साथ आपको एक ब्राइट लुक भी देती है। मैंने तो फेस पे बेस लगाई हुई है, बट अब मैं तुम लोग को अपनी गर्दन पे लगा के दिखाती हूँ। वो जो एक होता ना कि यार हमें फाउंडेशन नहीं लगाने, हमें कोई ऐसी क्रीम मिल जाए कि हम लगाएं और हमारा रंग यूँ थोड़ा साफ साफ दिखे, हमें कहीं इधर उधर जाते हुए हर वक्त फाउंडेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो ये वो वाली क्रीम है, साथ साथ आपका रंग भी साफ करने में हेल्प आउट करती है। और इसकी प्राइस सुनोगे तो तुम लोग हैरान परेशान हो जाओगे, अभी मैंने थोड़ी ज़्यादा लगा ली, बट इट्स ओके। सी, आपको एक यू नो ब्राइटनिंग वाला लुक दे देती है। इकरा, मेरी जान इनबॉक्स कर दो ना, अभी मैं सबका बता रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ, इनबॉक्स कर दो। अच्छा भाई, फाउंडेशन हमारा लग गया है, जिसको बड़ा डिटेल में पूछना है ना वो आज इनबॉक्स आ जाए, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना अपना थोड़ा सा यू नो तुम लोगों को पता है कि मेकओवर भी कर रही हूँ।
हेयर कलर शैम्पू आ गया है, कल ऑफिशियल लॉन्चिंग है, आज आखिरी दिन है, 1799 में आप लोग जो है ना वो अवेल कर सकते हो हर्बलेट का हेयर कलर शैम्पू। कल ये 2000 का हो जाएगा, कंडीशनर इसके साथ फ्री है। मैंने रेवल्यूशन का ग्लो फिक्स यूज किया है टू फिक्स माय मेकअप एंड टू सेट माय मेकअप बेसिकली। वालेकुम अस्सलाम अरीशा। अच्छा भाई हेयर कलर शैम्पू का देख लो, दोबारा से बता रही हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन कलर में अवेलेबल है। ब्राउन कलर डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन नहीं है। लाइट ब्राउन की डिमांड इतनी नहीं थी, होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी लॉन्च करूंगी। डे क्रीम बच्चों बड़ों दोनों को करा सकते हो, हेयर के लिए सब कुछ है ज़ारा। डे क्रीम बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, बल्कि लोग मुझे कहते हैं कि शिवम थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइजर भी मिला ले, क्योंकि उसका नॉर्मल टेक्सचर है, ना बहुत ऑयली ना बहुत ड्राई। वालेकुम अस्सलाम, मैं फैन हूँ आपकी, थैंक यू सो मच मेरी जान। डे नाइट क्रीम की डील ले लो 1750 में, दोनों चीजों की, वो बेहतरीन रहेगी, सॉरी 1699 में। वेट गेन प्रोडक्ट मेरी जान आपके देखो खाने पे भी डिपेंड करता है, मैं वेट गेन की बात करूंगी, लेकिन आपका 6-7 kg बढ़ाता है अच्छे खाने के साथ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। 24 कैरेट गोल्ड सिरम मेरी जान अभी डिस्काउंट में 1599 या शायद 1650। सबा मेरी जान आपको डील के हिसाब से बताए होंगे, आप चेक कर लो, बेफिक्र हो जाओ, कोई आपको पैसे ज्यादा नहीं बताएगा, डील्स लगी नहीं है पेज पे। अच्छा भाई हेयर कलर शैम्पू, ग्रे वाइट बालों का कंप्लीट सॉल्यूशन, आप विद इन 5 मिनट्स अपने बाल कलर कर सकते हो, नो पैराबेन, नो अमोनिया, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स आपने अप्लाई करना है, उस दौरान आप अपनी बॉडी वॉश करो, जो करना है करो, और आपके पास 2 कलर्स मौजूद हैं, 100% अमोनिया सल्फेट फ्री हेयर कलर शैम्पू, ठीक है। इसके प्रॉपर वीडियो मैंने पेज पे लगाई भी है, बस ये इसी की कमी रह गई है कि मैं तुम लोग को अपने बाल कलर करके दिखा दूँ, बिकॉज मेरे बाल इतने जेट ब्लैक हैं, वरना मैं हर प्रोडक्ट तुम लोग को लाइव रिजल्ट दिखा रही होती हूँ। तो इसके लिए मुझे ऐसा ऐसी बंदी को पकड़ना पड़ा कि जिसके बड़े यू नो वाइट बाल थे, फिर उस पर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला इसका भी लाइव रिव्यू तुम लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो तुम लोग वीडियो देख सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं मेरी जान। जो जो लोग भी डील्स का पूछ रहे हैं ना, तो हर्बलेट के पेज विजिट करो, जिस पेज से मैं लाइव हूँ, वाउचर हैं, फ्री प्रोडक्ट डील्स हैं, फ्री सैंपल वाली डील्स हैं, 600-700 डील्स आएगी, अब मुझे कैसे याद रहेंगी। पेज विजिट करना, आराम से तसल्ली से बैठ के सारी डील्स देखना, फिर ऑर्डर करना। वाइटनिंग किट में से मेरी जान जो वाइट उपटन है ना, ये लोग अपने 4-5 साल के बच्चों के लिए भी लेते हैं। बाकी वाइटनिंग किट आप टीन एज से स्टार्ट करवा सकते हो, उसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन मैं चंद पैसों के लिए नहीं बोलती कि आप बच्चों को क्रीमों पे लगा दो, यार क्या जरूरत है। वाइट उपटन यूज करा लो, साथ में अच्छा मॉइस्चराइजर ले लो, हर्बलेट का फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर, वरना मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हैं देखा है कि बच्चों के लिए भी क्रीम ले लो। हालांकि हर्बलेट की नाइट क्रीम में कोई नुकसानदेह चीज नहीं है यार, लेकिन मैं आपको क्यों बोलूं 1000-900 रुपए के लिए, मैं आपको बोलूं हाँ यार बच्चे के लिए भी ले लो, क्यों, कोई जरूरत नहीं बच्चों को क्रीमों पे लगाने की, जब उनकी एज आएगी क्रीम की तो वो लगा लेंगे। 30 to 40 days आराम से आपका कलर चलेगा। मेरी जान देखो डे क्रीम फाउंडेशन की जगह कर सकती हो इस्तेमाल, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि डे क्रीम तुम्हारे स्पॉट्स वगैरह को भी हाइड करेगा, क्योंकि वो कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक बस ब्राइट लुक देता है। अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, मैं तुम लोग को एक चीज बताती हूँ, डे क्रीम का एक जबरदस्त हैक। सैफ्रॉन का क्या शो करूं जहरा, हम लोग तो वैसे ही यकीन करते हैं हर्बलेट की हर प्रोडक्ट पे, इतना तो यूज कर लिया है कि यकीन आ गया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम समन मेरी जान, मैं इस चीज को अपडेट करा रही हूँ, लेकिन तुम वेबसाइट विजिट कर लो, वहां हर चीज मेंशन है। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेच्योर प्री मेच्योर ग्रे व्हाइट हेयर सबके लिए हेयर कलर शैम्पू बेस्ट है, व्हाइट उपटन एंड डे क्रीम 699 ईच इन डिस्काउंट। मेरी जान हेयर कलर शैम्पू तुम लोग कोई सा भी ले लो, ब्लैक या ब्राउन, उसके साथ तुम लोगों को मिलेगा फ्री कंडीशनर,
मैं ज़रा बैठ जाऊँ तसल्ली से, ताकि तुम लोग को ज़रा सही से समझाऊँ। अब मैं थोड़ा सा अपना मेकअप भी कंटिन्यू कर रही हूँ साथ साथ। डे क्रीम और सैफ्रन क्रीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वर्किंग वेमेंस के लिए, मेरी जान क्या बताऊँ। अच्छा भाई, हर्बलेट का फेस पाउडर हमारे पास आ गया है, बड़े अरसे से इसका स्टॉक जो है ना वो होल्ड था, और हमें भी वाइट कर दो। ठीक है जी, तो फाइनली मुझे इसकी वजह से मेरे जो टीम के लोग हैं उनको बहुत बातें सुनने को मिली, क्योंकि इसके ऑर्डर हो गए थे होल्ड। अच्छा, ये मैंने यूज़ करके रखा हुआ है, ये आपको अंदर इस तरीके से पैकेजिंग में मिलता है इस बॉक्स के अंदर। अच्छा, मेरा शेड इसके अंदर है 1, ये शेड नंबर 2 है। एक सेकेंड को ज़रा, मैं शेड नंबर 1 लेकर आती हूँ। क्लिंजर हर्बलेट के बहुत सारे, साइमा वालेकुम अस्सलाम। और क्लिंजर तो बड़ी ज़रूरी है, ये तो मैं हमेशा बताती हूँ कि तुम्हें कुछ करो नहीं करो, अगर एक अच्छा क्लिंजर भी अपनी रूटीन में रखोगे ना तो उसी के बड़े फायदे। अच्छा, हर्बलेट के फेशियल केयर रेंज में ना तुम लोगों को हर प्रोडक्ट अब अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग मिलेगा। थैंक यू सो मच हबीबा, मेरी जान तुम डील का स्क्रीनशॉट लो और वहां से भेज दो। सही है, कोई बस टेंशन की बात नहीं है, मेकअप की बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। हाँ, डे क्रीम का हैक बताने लगी हूँ, उनको जरा फेस पाउडर यूज करके दिखा दूँ। अच्छा जी, तो ये अंदर इस तरीके की पैकेजिंग में तुम लोगों को मिलेगा। खुल जा भाई मेरी जान, मेकअप वाला पेज जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्यों नहीं खुल रहा। इस तरीके से ये ओपन होगा, ये इसका पाउडर आ गया, ये इसका मिरर आ गया, और ये आ गया आपका स्पंज। हाँ, हेयर कलर शैम्पू बिल्कुल करवा सकती हो आप राबिया, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अच्छा, मैं फेस पाउडर यूज कर रही हूँ, यार मैंने अपने ब्रश से यूज करूंगी, इस पफ से ज्यादा मेरा ब्रश अच्छा है। कहाँ चला गया, दिस वन। डे क्रीम बच्चों बड़ों दोनों का करवा सकते हो। देखो डे क्रीम तो एक, अब देखो क्या सैफ्रन क्रीम एंड सिरम लिया है, अब क्लिंजर बताएं। जनाशीन तुम लाउंज में बैठ जाओ। सैफ्रन मेरी जान, सैफ्रन क्लिंजर आप ले सकते हो, क्लिंजर बहुत अलग अलग तरह के हैं ना। क्लिंजर जो है वो मैं भी तुम लोगों को सारी फेशियल रेंज दिखाती हूँ, हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग क्लिंजर्स हैं। अब तुम लोग एक फ्लॉलेस लुक देख सकते हो फेस पाउडर के साथ, फेस पाउडर के बगैर। यार मैं दूसरी दफा जो है ना अपनी आंख में ब्रश मार, ये कौन नजर लगा मेरी जान। हर कलर के साथ मिलेगा जहरा, बिल्कुल भी नहीं उजाला। क्रीम ब्लश बाय 3 get 1 फ्री, बाय 4 get 2 फ्री की क्रीम ब्लश पे ऑफर चल रही है। कितना जबरदस्त फेस पाउडर है ये, 2-3 दिन से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इस पर वीडियो बनानी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। लुक एट दिस फ्लॉलेस लुक। अच्छा भाई, अब बारी है आई शेड्स की। यार मैं तुम लोग एक बात, अच्छा मैं डे क्रीम हैक बता रही थी ना तुम लोगों को, रुको जरा डे क्रीम का एक जबरदस्त हैक बताती हूँ। देखो डे क्रीम स्किन को थोड़ा ब्राइट करेगी, ये तो तुम लोगों को पता लग गया, ठीक है। हाँ रुको लगाती हूँ, ये तो तुम लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई थोड़ा ब्राइट करेगी, हमारा एक अच्छा सा ब्राइट टेक्सचर हो जाएगा। लेकिन
अब किसी के डार्क स्पॉट्स भी हैं, वो चाह रहा है इससे वो भी छुप जाए। जाहिर सी बात है फाउंडेशन तो नहीं है ना ये, मेरी जान फेस पाउडर ये रहा, मैंने भी लगा के भी दिखा दिया, बिल्कुल भी नहीं उजाला मेरी जान, बेफिक्र हो जाओ। क्लेंजर कोई सा भी ले लो, 699 या शायद 750 ईच है। थैंक यू सो मच हिरा। नहीं मेरी जान बेफिक्र हो जाओ, हर्बलाइट फ्रॉड नहीं है। आई नो ऑनलाइन लोगों को बड़े फ्रॉड होते हैं, इसलिए वो लोग बड़ा टेंशन में आए हुए होते हैं। फेस पाउडर की प्राइस मेरी जान अभी डिस्काउंट में 850 है शायद, या 899। अच्छा भाई ये क्रीम फाउंडेशन है, कोई सा भी तुम लोगों के पास फाउंडेशन है वो लो। स्वैच किया जस्ट, और डे क्रीम के साथ ना मिला लो तो एक बड़े मज़े की टिंटेड सी तुम लोगों की क्रीम बन जाएगी। बीबी क्रीम बोल दो उसको, टिंटेड क्रीम बोल दो, और बड़ा एक यू नो मज़े का बन जाता है। तो ये मैं करती हूँ हैक कप जब मुझे कहीं जाना होता है, थोड़ा नेड लुक भी चाहिए और फाउंडेशन भी नहीं लगाना है, ये हैक मैं हमेशा बताती हूँ। सो अच्छा भाई तो अब हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा आई मेकअप की तरफ आएंगे, साथ साथ पूछते जाओ मैं बताती जाऊंगी। अच्छा फेशियल रेंज में मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, क्लेंजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरी फेशियल किट में। तुम लोग मुझसे जब पूछोगे ना कि शफक सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक ऐसी चीज जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए, मेकअप सैंपल्स में टाइम है, बाकी सैंपल्स अवेलेबल है अदीना मेरी जान। कौन सी बेस की प्राइस है ना आपके पास पूरी फेशियल केयर किट से लेकर हर चीज में? सैफ्रॉन का ऑप्शन है, कॉफी का ऑप्शन है, इसका कैप मेरा घुमा हुआ इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ पकड़ के, क्योंकि मैं रोज आना इस्तेमाल कर रही, तो मैंने कैप पता नहीं कहाँ फेंक दिया। फिर हमारे पास 4-in-1 वाइटनिंग है, फिर हमारे पास चारकोल है, फिर हमारे पास है टी ट्री, फिर हमारे पास सैफ्रॉन का भी ऑप्शन है। तो ये सारे क्लेंजर्स और पूरी फेशियल किट्स आपको मिल जाएंगी, मीन्स के अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग क्लेंजर, अलग अलग फेशियल किट। अब चाहो तो पूरी फेशियल किट ले लो, चाहो तो सिर्फ क्लेंजर ले लो। डे क्रीम के साथ मैंने क्रीम फाउंडेशन लगाया, ये फाउंडेशन भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है, क्रीमी होता है, इतना क्रीमी है ये देखो लगता चला जाता है, और कवरेज ब्लेंडिंग बहुत जबरदस्त। इसकी प्राइस जस्ट 999 है डिस्काउंट में। मेरे सूट का फुल लुक, चलो मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ फिर दिखाती हूँ, पक्का सही है क्योंकि बहुत प्यारा सूट है, इसका कलर बहुत प्यारा है। आई डोंट नो कि कैमरे में सही दिख रहा है नहीं, बट इसका कलर बहुत खूबसूरत है, इट्स लाइक वो जो होता है ना डार्क फ्यूशिया कलर जो होता है, ये वो कलर है। ओके सलमा मेरी जान आप मुझे इनबॉक्स करो। वालेकुम अस्सलाम। सनब्लॉक बहुत ही आला ऑप्शन, तो बहुत ही कमाल है। मैंने मेकअप भी ऑर्डर किया, इट्स सच अ शेम मिला नहीं पैकेज। सलमा मेरी जान नो नीड टू राइट इट्स सच अ शेम, मतलब कितनी गलत बात है कि आप क्या लिख रही हो कि इट्स सच अ शेम। पार्सल डिले भी हो सकता है राइडर ने आपका ऑर्डर डिलीवर ना किया हो, मुझे भी इस बात की खबर ना हो, आप ये बोल दो कि यार शफक ऑर्डर नहीं मिला, मतलब ये कैसी लैंग्वेज है कि यार इट्स सच अ शेम। इट्स नॉट सच अ शेम मेरी जान, ऑर्डर कैन बी डिले, ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम TCS और फ्रॉम anyone, मतलब ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हो जाती हैं। जस्ट आप डायरेक्ट मैसेज करो कि यार शफक ऑर्डर नहीं मिला। नाइट क्रीम का मेरी जान बता तो दिया, और क्या क्या बताऊँ, सनब्लॉक शो प्लीज। स्टिक बेस के प्राइस है मेरी जान 1450 डिस्काउंट में, इस तरह की पैकेजिंग में होती है ये सनब्लॉक। अच्छा चलो मैं सनब्लॉक बता दी, वैसे मैं अभी आई लुक करने लगी थी। सनब्लॉक मेरी जान हर्बलाइट का मिनरल बेस सनब्लॉक है, 70+ SPF के साथ, ठीक है आपको बच्चों बड़ों दोनों के लिए। फिर किस तरह का सलमा, मैं बिल्कुल वो अजीब सी हो गई कि आप मुझे क्या बोल रही हो। अच्छा तो 70+ SPF के साथ है और मिनरल बेस है, ना कोई फ्रेग्रेंस, ना कोई पैराबेंस, ना कोई सिलिकॉन, जिंक ऑक्साइड के साथ है मेरी जान। तो आप ये बोलो ना सलमा, मुझे एकदम वो हुआ कि शायद आपने मुझे बोला कि
जैसे बोलते हैं शेम ऑन यू ये वो, मुझे ऐसा लगा था सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे इनबॉक्स करो मैं आपको करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपकी प्रोडक्ट जिंदगी में पहली बार ऐसी देखी है कि जो यूज़ करो जादू हो जाता। थैंक यू सो मच। मौसम की वजह से डिले हो रहा है। हाँ पता है मैं तुम लोग को, अच्छा ये चीज़ तुम लोग ना मुझे बता रहे हो ना, सॉरी मुझे ऑलवेज इंतज़ार होता है मेरी जान। थैंक यू सो मच, लव यू सलमा, और इतने प्यार के लिए आई लव यू टू मेरी जान। लेकिन बस ये कि आप ये भी तो देखो ना, फोग इतनी है धुंध की वजह से, पता है हर कोई लिख लिख के लगा रहा है कि यार हम ऑर्डर हमारी डिले हो सकते हैं फोग की वजह से, मौसम की वजह से भी। अनान मैं बताती हूँ मेरी जान, ठीक है सनब्लॉक काफ़ी टाइम चलता है इसलिए कुछ भी लगाओ, मेकअप करो, जो मर्जी करो, सनब्लॉक लाजमी लाजमी लगाओ। ठीक है अच्छा भाई मैं ना अब तुम लोग को एक अच्छा सा आई लुक करके दिखाती हूँ। सनब्लॉक मेरी जान बहुत ज़रूरी है, आप कितनी भी क्रीमें लगा लो, आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आप सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करोगे तो मुझे बताओ फ़ायदा क्या होगा। ओ अच्छा सलमा आप के भाई चले गए मतलब पाकिस्तान से, आप नहीं हो पाकिस्तान से, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। सनब्लॉक प्राइस भी डिस्काउंट में 650 है मेरी जान, जितना पॉसिबल होगा टीम आपको डिस्काउंट कर देगी, हम लोग तो बहुत बहुत डिस्काउंट देते हैं। अच्छा मैं ये क्रीम ब्लश ले रही हूँ, बेसिकली इट्स अ 3-in-1 प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सना, यह आपका आई शेड भी हो सकता है या आपका क्रीम ब्लश भी हो सकता है। अच्छा अच्छा मुझे लगा कि आप यहीं कहीं से हो, आपका लिप कलर भी हो सकता है, इट्स 3-in-1। ठीक है तो मैं अभी से फ़िलहाल इसको अपने आईज के लिए यूज करूंगी। ठीक है मेरी जान मैंने स्ट्रेटनर मारा हुआ है दीना, स्ट्रेटनर मारा हुआ है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सनब्लॉक बहुत बेस्ट है, कलर हेयर कलर कौन सा लूँ, ब्लैक या ब्राउन मेरी जान, जो आपको अच्छा लगे। आपका उपटन बहुत ही आला है, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपके काम में तरक्की दे, थैंक यू सो मच। डार्क नेक के लिए बॉडी वाइटनिंग क्रीम मेरी जान, बॉडी वाइटनिंग क्रीम लो ना, बॉडी का कोई भी पार्ट काला है चाहे आपकी दिया कहाँ से डॉल बन जाओ, मैं डॉल हूँ ही नहीं, डॉल कहाँ से बन जाओ मुझे बताओ। अच्छा मैं सिर्फ ना एक ट्रांजिशन शेड के तौर पे लगा रही हूँ हल्का सा, मुझे लग रहा है मेरे इसमें थोड़ा सा ना डार्क शेड अभी भी मेरे इस ब्रश के अंदर है। वो जो कहते हैं ना हल्का सा एक डेप देने के लिए मैंने लगाया 6 नंबर। फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम लो, आपकी डार्क नेक का प्रॉब्लम हो गया, आपका क्या कहते हैं उसको अंडर आर्म हाथ पाँव सबके लिए बेहतरीन है वो, फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए बेस्ट है। यार मुझे मिल गया, ये ढूंढ रही थी मैं, थैंक यू मेरी जान। वाइट उपटन को देखो आप किसी भी चीज़ में मिक्स कर लो, पानी में, दूध में, दही में, मलाई के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ लोग उसको मिक्स करते हैं, और उसको मिक्स करके जो है ना तो फिर आप उसको। अच्छा मैं उपटन को पता है कैसे यूज़ करती हूँ, मैं उपटन को यूज़ करती हूँ, अच्छा मैंने ये लिया है क्रीम ब्लश का शेड नंबर 2, इट्स फ्यूशिया पिंक, थोड़ा सा मैच कर रहा है ना इस वजह से मैंने ये लिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टोनर सैंपल में नहीं है मेरी जान, थैंक यू सो मच नताशा। मेरी जान मैं अभी ड्रेस शो करती हूँ तैयार होके, सही है, मैंने कहा थोड़ा सा तुम लोगों को मेकअप सही से दिखाऊं कि मेकअप में है क्या क्या, और अब देखो मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया। अच्छा ये 3-in-1 है, ठीक है तुम लोग तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, अभी हम चीक्स पे भी लगाएंगे, अभी हम लिप्स पे भी लगाएंगे, और इसको समझो एक इसमें शिमर नहीं है,
ये जैसे एक समझो के मैट शेडो के तौर पे इस तरीके से यूज कर सकते हो। हेयर कलर शैम्पू 1799 इंट्रोडक्टरी प्राइस है मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, फ्रेकल्स का प्रॉब्लम है, वाइटनिंग किट बेनजीर। बेफिक्र हो के फ्रेकल्स वाले हमें दुआएं देते हैं, 10-10 साल पुरानी झाइयाँ भी लोग की चली जाती हैं सिर्फ किससे, हर्बलेट की वाइटनिंग किट से। हाँ अच्छा, मैं उपटन का बता रही थी। मैं तुम लोगों को बताऊँ, उपटन लोग अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। मैं किस तरह करती हूँ, मैं उपटन लेती हूँ, उसको मिक्स करती हूँ दूध में मलाई के साथ। सही है। अब देखो तुम लोग मुझे मेरा सुन के दूध में मिक्स मत करने लग जाना। क्यों? क्योंकि दूध अक्सर लोगों को दाने भी कर देता है, ठीक है। तो जो है मैं करती हूँ दूध में, कभी कभी मैं उसमें थोड़ा सा सैफ्रॉन मास्क छिड़क लेती हूँ, कभी गोल्ड सीरम भी मिला लेती हूँ, मतलब वैसे ही। चलो अगर वो हटा भी दो तो ये करके ना, अच्छा फिर मैं उसको थोड़ा पतला बनाती हूँ। पतला बना के मैं क्या करती हूँ, उसका अच्छे से मसाज, फुल अच्छे से यू नो मसाज करके फिर उसको खुश्क होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर जब वो ड्राई हो जाए फिर मैं उसको वॉश करती हूँ। ये मेरा तरीका है, जो कि मेरा ख्याल है बेस्ट है। मुझे लग रहा है मैंने तुम लोगों से बातों के चक्कर में ना अपना आई शेड सही से ब्लेंड नहीं किया है। पता नहीं क्यों कैमरे में लग रहा है कि ब्लेंड नहीं किया, यहाँ पे तो सही लग रहा है। अच्छा भाई, ब्राइडल वाइटनिंग सी चीक्स रेड हो जाते हैं, क्या मतलब हीरा, हो गए हैं या करने हैं? हर्बलेट का जितनी भी सोप रेंज है, राइस वाइटनिंग, ब्राइडल वाइटनिंग, चारकोल, टी ट्री एंड लाइम सोप, सब बच्चों बड़ों दोनों के लिए सेफ है। पूछो क्यों? क्योंकि टियर फ्री है, कोई केमिकल नहीं है, सॉफ्ट बेस सोप्स है, ठीक है। इतने ये वो हैं कि इनमें वो तक नहीं है, इतने वो हैं कि वो तक नहीं है, मतलब आपको मिर्चें तक नहीं लगती हैं आपकी आंखों में। ये इतने ऑर्गेनिक हैं और ये इस बात की निशानी है। लोग अपने बच्चों के लिए भी ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं। कितनी देर में आऊंगा? आई हैव यूज योर एक्नी सीरम एंड एक्नी ऑलमोस्ट गॉन नाउ, हैव टू गेट रिड ऑफ एक्नी स्कार्स एंड मार्क्स। उमर फारूक, अच्छा आप उसको कंटिन्यू रखो एक्नी सीरम को। एक्नी सीरम के बारे में देखो हम लोगों ने बात ही नहीं की। मैं आप लोगों को बताऊं, एक्नी सीरम इज वन ऑफ आर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, आपके दाने, दानों के निशान, गड्ढे, सबके लिए। लेकिन होता क्या है कि एक्नी जरा जल्दी चले जाते हैं, जो उसके निशान होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, वो जरा टाइम ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उसको कंटिन्यू करो। अच्छा, स्किन रेड हो जाती है, जलन होती है। बेहतरीन एक चीज़ बताती हूँ, हर्बलेट का क्ले मास्क इस्तेमाल करो। जिनकी भी स्किन रेड हो जाती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, क्ले मास्क आपकी स्किन को क्या करता है, ठंडा करता है, काम करता है, कूल डाउन करता है, आपके पोर्स भी क्लोज करता है, आपकी स्किन को ठंडा भी करता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, रेडनेस वगैरह सारी चीज़ें, उसके लिए बेहतरीन है क्या चीज, क्ले मास्क। कब से मैं ढूंढ रही हूं, अब जाके मुझे मिला। प्रेगनेंसी में वॉमिट हो रही है, कोई सॉल्यूशन? अच्छा मैं तुम लोग को एक चीज बताऊं जो मैंने की। इरम मेरी जान, आप किस तरह यूज कर रही हो मुझे बताओ, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? डार्क हो जाएगा ये। हाँ तो मैं, अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था कि दिस वन विल बी नाइस, नहीं रेडनेस के लिए क्ले मास्क बेस्ट है, उसे वाटर या रोज वाटर या एलोवेरा जेल वगैरह में मिक्स करो, लगाओ, ड्राई हो जाए, प्लेन वाटर से वॉश कर लो। मेरी जान देखो, वॉमिट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन मैं तुम लोग को ये बोलूंगी, सिर्फ एक सजेशन दूंगी। देखो इसको हम एक चीज़, एक नेचुरल है, एक चीज़ होती है, ठीक है, कम से कम उसको रोकने के लिए दवाइयाँ नहीं खाओ, बस मैं इतना बोलूँगी। आप कुछ ऐसी चीज़ों का, मैं क्या बोलूँ, मुझे वो इंडियन ड्रामे याद आ गए, मैं बोलने वाली थी कुछ खट्टी चीज़ें खा लो, कुछ इस तरह की, नो अभी कीनू का मौसम है, इस तरह की चीज़ें जो थोड़ा इस फीलिंग को, ये नौजिया वगैरह को थोड़ा सा यू नो कट डाउन करे, लेकिन दवाइयाँ मत लो प्लीज़। पता है मुझे, अच्छा मुझे
मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे अलग अलग लाख शुक्र है कि मुझे नौजिया नहीं हुआ, हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। वन मंथ मेरा ऐसा था नौजिया वाला, लेकिन मुझे टोटल वॉमिटिंग हुई थी बस 6 बार 5 बार। लेकिन अच्छा, मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी, कभी भी नौजिया वॉमिटिंग के लिए मैं अलग से नहीं गई। तो मुझे डॉक्टर बोलती थी कि आप जो है ना वो लगा लें, क्या कहते हैं, सॉरी दवाई ले लें, मेडिसिन मुझे लिख के देती थी। मैंने ख़रीदी भी लेकिन मैंने नहीं इस्तेमाल की, मैंने नहीं खाई। तो छोटी छोटी चीज़ों पे दवाइयाँ मत खाओ, बस इतना बोलूँगी। मैं तो हर हालत में खाने से मना करती हूँ, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप दवाई खाओ, बस इतना बोलूँगी। बाकी जाहिर सी बात है यार, देखो एक नेचुरल सी चीज़ है तो थोड़ा बहुत तो होगी, जाहिर है। बस ये है कि इसमें आप अपनी ये एहतियात रखो कि आप बिना वजह की दवाइयों से थोड़ा सा ना गुरेज करो। यार मुझे मेरी पसंद का आई शेड क्यों नहीं मिल रहा है, कब से मैं ढूंढने में लगी हुई हूँ। जो मुझे लगाना है वो मुझे नहीं मिल रहा है। यार मुझे रोज गोल्ड या पिंक चाहिए, कहाँ है आखिर, पता नहीं मैंने कहाँ अपने आई शेड्स इधर उधर किए हैं। ऑयली स्किन के लिए अगर आप सोप की तरफ जा रही हो समरीन, तो आप टी ट्री एंड लाइम सोप ले लो। वैसे टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश होता है, सोप भी आप ले सकती हो, वो यूज कर सकती हो, कोई मसला नहीं है, फेस एंड बॉडी दोनों पे कर सकती हो, ठीक है। ये मुझे मेरी पसंद का आई शेड क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नजर नहीं आ रहा है, आई डोंट नो कहाँ चला गया। खैर हम एक काम करते हैं, रोज गोल्ड शेड यूज करते हैं, क्योंकि वो वाला शेड जो मैं यूज करना चाह रही थी वो पता नहीं कहाँ है। अच्छा, ये हर्बलेड की लूज आई पिगमेंट्स मैंने लिए हैं, एंड दीज आर सुपर पिगमेंटेड, सुपर अमेजिंग। इसका मैं थोड़ा सा तुम लोगों को लेके दिखाती हूँ कि इसकी बेसिकली ये है रोज गोल्ड शेड, इतने ब्लिंगिंग और इतने अमेजिंग है ये। मेरा मूड था कि मैं पहले ना थोड़ा सा वो लगाऊं, क्या कहते हैं उसको, कोई क्रीम आई शेड लगाऊं उसके ऊपर इनको लगाऊं, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है मेरी मर्जी का शेड, तो इस वजह से। वालेकुम अस्सलाम सानिया, किस मैसेंजर पे आपने किया मेरी जान मुझे बताना जरा। इस तरह ब्लिंग, अच्छा मुझे ना मुझसे ब्रश से पता नहीं क्यों ये लगता नहीं है। लोग ब्रश से लगाते हैं कुछ लोग, मैं हाथ से लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ब्रश से पता नहीं क्यों मुझे वो वाला जो एक होती है ना वो, जो या तो शायद मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझसे ही ब्रश से जो है ना वो हो जाता है थोड़ा, समझो कि इधर उधर गिर जाता है, लेकिन खैर चलो। फिर भी तुम लोगों के सामने ना मैं थोड़ा प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रश से अप्लाई कर लूँ, तो इट्स टू ब्लिंगिंग, इट्स टू मच ब्यूटीफुल। आई डोंट नो कि पता लग रहा है इसके अंदर या नहीं पता लग रहा। ये मैंने जो 3-in-1 आई शेड है वो लगाया, और ये मैंने लूज आई पिगमेंट लगाया है, और लूज आई पिगमेंट का शेड है शेड नंबर 5। टू ब्यूटिफुल, बहुत प्यारा शेड है। मैं इस पर भी थोड़ा सा ना पहले हाथ से लगाऊंगी, उसके बाद उसको थोड़ा ना ब्रश से लेके तो सेट करूंगी। ब्राउन स्पॉट्स मधिया, देखो अगर तो आपके उसके हैं एक्नी के हैं, एक्नी के जो निशान पुराने हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो उसके लिए तो आप वो लो ना, क्या कहते हैं उसको, एक्नी सिरम। और अगर आपके पिगमेंटेशन वाले ब्राउन स्पॉट्स हैं तो आप वाइटनिंग क्रीम यूज करो।
पेज पे किया है मेरी जान या आईडी पे, हर्बलाइट की आईडी पे? सानिया मुझे ये बताओ। अच्छा भाई हमारा सिंपल साइड जो है ना आई मेकअप हमने किया है जो कंप्लीट हो गया है, मुझे बताना तुम लोगों को कैसा लगा। ये लूज आई पिगमेंट्स कमाल है, आई स्वेयर। मुझे नहीं पता कैमरे में ये सही से पता लग रहे या नहीं पता लग रहे। सैफ्रन क्रीम और डे क्रीम में क्या फर्क है मैं तुम लोगों को बताऊं। देखो डे क्रीम एक अच्छा डे लुक देगी, स्किन को ब्राइट करेगी, डार्क स्पॉट्स लाइट करेगी। सैफ्रन रिपेयरिंग क्रीम मेरी जान मल्टीपर्पज क्रीम है, आपकी स्किन को ब्राइटनेस के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका जो मेन मकसद है स्किन को हेल्दी करना, स्किन को रिपेयर करना, जिनकी स्किन खराब है, डैमेज है, स्किन को टाइटनिंग देना, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, लूज सैगी स्किन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक्जिमा को ट्रीट भी करती है। ये जिनकी जो लोग अपनी स्किन पे फॉर्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करके स्किन को ख़राब कर लेते हैं उनकी स्किन को भी ठीक करने का काम करती है। तो ये एक ओवरऑल हेल्दी ग्लोइंग रिपेयरिंग वाली क्रीम है, इसको डे नाइट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। इसको तुम लोग अपनी डे क्रीम में भी मिला सकते हो, इसको तुम लोग अपनी नाइट क्रीम में भी मिला सकते हो। मधिया नाइट क्रीम ले लो फिर आप, उपटन बेस्ट है आपकी। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मेरी जान। मुझे लग रहा है मैंने अपनी लोअर लैश पे ना यहाँ पे सैफ्रन क्रीम मेरी जान अभी डिस्काउंट में आई थिंक 1299 के, इट्स इन वेरी गुड प्राइस। तुम लोग ये अवेल कर लो बिकॉज इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1650 और ये आपकी कोई 2 महीने आराम से चलती है। ये वो 1 महीने वाली क्रीम नहीं है। अच्छा अब हम लगाएंगे इसको अपने चीक्स पे। हर्बलाइट हेयर ऑयल एंड शैम्पू इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, इससे लोगों का कीमोथेरेपी वालों तक का ट्रीटमेंट हुआ है। हर्बलाइट का ऑयल शैम्पूज आर बेस्ट, लेकिन बहुत सारे लोग एक चीज नहीं समझते। कभी कभी होता है कि जिनको रिजल्ट लेट मिल रहे होते हैं वो नहीं देखते कि हमारे पानी का भी मसला है। हालांकि हर्बलाइट का ऑयल शैम्पू खारे पानी के साथ भी काम करता है। यूएई में हमारे जितनी शिपमेंट्स जाती हैं हेयर डील की वो इसी वजह से जाती है, वहाँ का पानी खराब है। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं देखते कि हमें इंटरनल वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम है, कोई और मसला भी हो सकता है, कोई हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके ये जो चीज़ें खराब हो रही होती हैं इसमें आपके इनर बॉडी का, आपकी सेहत का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। थोड़ा सा आप उसको भी देखो और फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो, रिजल्ट जरूर मिलते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं, अपने लिए इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली यूज कर रही है। मस्कारा में यार ये स्काई हाई मैंने लिया था मेबलिन का। वैसे मैं मस्कारा जो है ना इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट इन मेकअप। मेकअप में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जो चीज़ वो मस्कारे होते हैं, और मस्कारे मैं इतने जमा करती हूँ। जो मेरा फेवरेट मस्कारा है ना वो है बॉर्जेस का और एक डियोर का मस्कारा आता है। बॉर्जेस का तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ करती हूँ, अभी मेरा ड्राई हो गया बिल्कुल ख़त्म पर है। और डियोर का मैंने बस 2 बार लिया है ज़िंदगी में, वो इतना महंगा मस्कारा है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डैंड्रफ के लिए बेहतरीन है, स्ट्रेट काफ़ी हद तक कर देता है मेरी जान हेरा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि डैंड्रफ स्ट्रेट हो जाएंगे, रिमॉर्निंग वाले स्ट्रेट हो जाएंगे। अच्छा भाई ये हमने आई लुक क्रिएट किया। अच्छा मैं उसी ब्लश को जो ब्लश हमने लिया था आइस के लिए, क्योंकि हम आइस से मैच करेंगे, उसी को हम यूज करेंगे किसके लिए, क्रीम ब्लश के तौर पे। इस पे फाउंडेशन लगा हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है वो बार बार फाउंडेशन लग रहा है।
मदिया वो तब भी चले जाएंगे मेरी जान। एक्सपो में का मैं कंफर्म करूंगी शायद कुछ टाइम में। स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं। आइस क्यूट, थैंक यू है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसी को हम लगाएंगे किस पे? अपने लिप्स पर। क्योंकि ये आपका मैट लिप कलर भी है और ये वाटरप्रूफ है, हटता नहीं है, ठीक है, आसानी से। मैं नहीं कह रही हटेगा ही नहीं, आसानी से नहीं हटता। आई मीन तो एक आपकी मैचिंग भी हो जाती है और किस चीज का नाम? वालेकुम अस्सलाम मदीहा। ग्लूटाथॉन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम 950 मेरी जान। फाउंडेशन मैंने मैट मूस फाउंडेशन यूज किया है। मेकअप वाले पेज पे मेकअप की डील्स, मेकअप की डिस्काउंट सब चीजें लगी हुई हैं, इसलिए मेकअप वाले पेज को जरूर विजिट करना। मेकअप वाले पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम मारवी। मेरे हेयर बहुत फ्रिजी हैं, ग्रे हेयर भी बहुत है। देखो किरण मेरी जान, फ्रिजनेस के लिए हर्बलेट का प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज बेस्ट है। बालों की फ्रिजनेस, डैमेज रिपेयर करना, बालों को ठीक करना, सॉफ्ट सिल्की स्मूथ करने के लिए। जहां तक बात रही ग्रे वाइट हेयर, तो हर्बलेट का हेयर कलर शैम्पू लॉन्च हुए ग्रे वाइट हेयर कवरेज के लिए बेस्ट। विद इन 5 मिनट्स यू कैन कलर योर हेयर, यू कैन हाइड योर ग्रे वाइट हेयर इंस्टेंटली विद इन 5 to 10 मिनट्स। वालेकुम अस्सलाम। वेबसाइट मेकअप की नहीं है, स्किन केयर की है। बस इंशाल्लाह ताला मेकअप की भी जल्द ही हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम अनीला। न्यू प्रोडक्ट जो जो लॉन्च होती जा रही है मेरी जान, मैं प्राइस बताती जा रही हूँ। और ये मैंने एक नॉर्मल सा जो है ना, वो समझो बस नॉर्मल सा एक मेकअप कर लिया है तुम लोग को फाउंडेशन वगैरह दिखाने के लिए। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद मालिक सिद्दीकी। व्यूज तो आज कम है, मैं सोच रही हूँ अब लाइव को एंड करूं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देते। जो बाल सर्दियों में, आगे के जो बाल कटे हुए सर्दियों में खड़े हो जाते हैं ना, आई हेट। थैंक यू सो मच मेरी जान। मदीहा क्रीम मेरी जान, क्रीम उपटन भी आप यूज कर सकती हो। अब तुम लोग को दिख रहा है लूज आई पिगमेंट्स का वो, आई होप कि तुम लोग को इसका रिजल्ट पता लग रहा हो। बहुत प्यारा है। थैंक यू शैरल, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी जो है लूज बेकिंग एंड सेटिंग पाउडर भी है, पाउडर फाउंडेशंस भी हैं, ड्राई केक भी है। सो क्विट शाहिदा वॉट मेरी जान। क्या क्विट करूँ, लिप्स पे कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैंने सूट के हिसाब से लगाया हुआ ना, कलर्स बहुत सारे हैं इसमें, तुम लोग मेकअप वाले पेज पे चेक कर सकते हो। फेस वाइट है बट निशान है, क्या यूज़ करूँ मेरी जान? निशान किस चीज़ के? क्रीम फाउंडेशन कैसे यूज़ करना है? स्किन ड्राई है बहुत, क्रीम फाउंडेशन वैसे ही लगा लो, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, लेकिन मॉइस्चराइज कर लो फिर भी स्किन को, अच्छा है। लिप्स पे मैंने हर्बलेट का लिप्स, आइज एंड चीक्स एक ही चीज़ से किए हैं, हर्बलेट का क्रीम ब्लश से। क्रीम ब्लश 3-in-1 आपके आइज लिप्स एंड चीक्स के लिए बेस्ट। सूट मेरी जान येस वेलवेट का है। हर्बलिस्ट के आपको मेकअप आर्टिस्ट का भी टाइटल, मैं बिल्कुल अच्छा मेकअप नहीं करती हूँ। आई थिंक आर मेकिंग फन ऑफ मी, मजाक करी, लेकिन यार मैं सच में, मुझे मेकअप नहीं करना आता। बस एक होता है ना कि बस हाँ मैं इतना कर लेती हूँ, वैसे मैं कभी कभी बड़ा प्रोफेशनल मेकअप भी कर लेती हूँ, बहुत अच्छा यू नो स्मोकी आई और सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ कभी कभी। रीजन ब्रांड सूट का सफायर, लेकिन ये पुरानी कलेक्शन में से। थैंक यू नजराना। मेरी जान चले जाएंगे, रेगुलर यूज करो एक्नी सीरम और उसका फेस वॉश, चले जाएंगे इंशाल्लाह।
फाउंडेशन शेड्स बहुत सारे हैं, तुम लोग को अपने कलर का फाउंडेशन मिल जाएगा। अभी मैं तुम लोग को सारे शेड दिखाऊंगी, स्लाइड में नहीं पता लगेंगे। तुम लोग मेकअप वाले पेज पे जाओ और वहां पे सारे शेड्स देखो, वहां अच्छे से डे लाइट में सारे शेड्स अपलोडेड हैं। थैंक यू सो मच, आईज बहुत प्यारे लग रही, थैंक यू सो मच। वैसे ही निशान है छोटे छोटे, एक फेस को क्लियर करना है, ब्राइट करना है। ग्लूटाथायोन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम विल बी बेस्ट इंशाल्लाह। ओपन पोर्स के लिए मेरी जान टोनर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो, जिनके ओपन पोर्स हैं भी और नहीं भी है। ब्राइडल व्हाइटनिंग सोप 399 स्मॉल, हेयर में ड्राइनेस है प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज यूज करो। थर्मल वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, बेसिकली वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है उन लोगों के लिए जो लोग लोशन क्रीमें लगाना नहीं पसंद करते और ये बोलते हैं कि यार हम नहीं अच्छा लगता, किसी की एक्नी प्रोन स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है। तो हर्बलेट ने एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इंट्रोड्यूस करवाया है विच इज़ वेरी इन नाउ डेज, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, ताकि आपकी स्किन जो है हाइड्रेट हो, प्लम्प हो और कोई चिपचिपी भी ना हो। ठीक है, सो दिस इज आवर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक एसिड बेस है, बहुत अमेजिंग है, एक्सट्रीम हाइड्रेशन देता है, इंस्टेंटली स्किन को बिल्कुल वॉटरी कर देता है, बहुत प्यारा कर देता है। शेड 6 शेड्स हैं गुड़िया मेरी जान, मेकअप वाले पेज पे सब अपलोडेड है। ये शेड नंबर 2 है जो मैंने लगाया, शेड नंबर 2 आईज पे भी मैंने ये लगाया है, चीक्स पे भी, लिप्स पे भी शेड नंबर 2। और ये जो आईज ग्लिटर है, ये जो आई ग्लिटर है थैंक यू अनिला मेरी जान, स्कूल की ओनर। ठीक, थोड़ा सा यार मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों, अच्छा मैं बताऊं तुम लोगों को, हालांकि मैं बड़ा जज्बाती हूँ और मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आता है और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, मैं बोल देती हूँ, लेकिन बस वो 2 मिनट की बात होती है, उसके बाद मैं ठीक भी खुद ही हो जाती हूँ। 2 मिनट बाद, बस 2 मिनट की बात होती है। वाले को ड्रेस दिखाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ये रहा क्रीम ब्लश ना। अच्छा, जो मैंने ये लगाई ना लूज आई पिगमेंट्स, ये शेड नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग ताकि अच्छे से तुम लोग रिव्यू लगाओ। ड्रेस तुम लोगों को दिखाती हूँ, देखो मैंने नाइट ट्राउजर के ऊपर जस्ट शर्ट और दुपट्टा पहना हुआ है, इसलिए इस पे मजा, तुम लोग को शर्ट दिखाती हूँ। एक्नी के लिए मेरी जान हर्बलेट का एक्नी सिरम, साथ में उसका फेस वॉश यूज करो, जो बेसिक डील है वो बता रही हूँ, आपके दाने, दानों के निशानों, गड्ढों सबके लिए बेस्ट बेहतरीन। मैंने आइवरी शेड यूज किया है इस साइड HD स्टिक का F1 और मूज फाउंडेशन का आइवरी शेड। वालेकुम अस्सलाम मुस्कान अनिला, पहले ये बहुत ज्यादा था मुझ में प्रॉब्लम, मैंने बहुत थोड़ी मिच्योर हो गई हूँ मैं, बस ये समझ लो, वरना मुझ में भी थोड़ा प्रॉब्लम ये था और अभी भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी बहुत मैं आ जाती हूँ अपनी जिद पे, लेकिन कभी कभी मैं इस चीज़ को बहुत ओवरकम करती हूँ और बहुत कम ऐसा होता है। अच्छा, मैं तुम लोग को ड्रेस दिखाती हूँ। सो बेसिकली दिस इज माई ड्रेस, ये इसका दुपट्टा है, ये इस दुपट्टे का जो है ना इस तरीके से बॉर्डर। अब मैं फुल ड्रेस कैसे दिखाऊं बताओ, इसको थोड़ा और बड़ा करती हूँ क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से ना ये कम है। लाइट भी मैंने ऑफ कर दी है, अब लाइट ऑफ में भी तुम लोग मेकअप देख लो। थोड़ा सा नीचे इसको करूं, अब ज्यादा ही लंबा हो गया मुझे लग रहा है, अब जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है और आई गेस कि अब तुम लोग देखो फुल ड्रेस। तो ये है फुल ड्रेस, इसका जो ट्राउजर था ना वो इसी कलर का लाइक प्लेन शिफॉन ट्राउजर था। विंटर मेरी जान डील्स बहुत सारी आई हुई है, डील्स तुम लोग चेक करो। और अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं हल्की सी लाइट ना ऑन कर लेती हूँ, अब ये बहुत वाइट हो गई है, इसमें मैं बिल्कुल भी जो है ना इतनी तेज लाइट नहीं चलाती।
वेट गेनर मेरी जान आराम से 7 से 8 kg आपका वेट बढ़ाता है। प्रोडक्ट्स हम लोगों को बिक्री भी दिख रही होंगी, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, फिर मैं जो हूँ। अच्छा, इसके दामन पे जो है ना ड्रेस, तुम लोग बोल रहे थे दामन पे भी ना इसके इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ, बस ये सिंपल सा ड्रेस है, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, कोई ऐसी वाली वो नहीं है कि बहुत हैवी काम हो, लेकिन काम रोज गोल्ड वर्क है इसके ऊपर, इसीलिए मैंने जो है ना रोज गोल्ड सा आई शेड लगाया। स्किन पॉलिश को आप अपनी स्किन पे अप्लाई करो, 2 से 3 मिनट आप मसाज दो और उसके बाद छोड़ दो। जो स्किन पॉलिश ब्लीच फ्री है, हर्बलाइट की, पैराबिन फ्री है, ब्लीच फ्री है, 20-25 मिनट उसको छोड़ो, वॉश कर लो। और कोई क्वेश्चन है मुझे बताओ या मैं जाऊँ आज। वैसे मज़ा बहुत आया, ऐसी बात नहीं है, मेरे बहुत प्यारे प्यारे क्लाइंट्स जिन्होंने मेरी इतनी सोफे पे खड़े होकर दिखाऊँ। अस्मा आप क्या चाह रही हो, मतलब मैं जो ना मेरी कोई पिक्चर ले ले और वायरल कर दे कि देखो ये बिल्कुल जो है ना क्या बनी हुई है, सोफे पे खड़ी हुई है। आप चाह रही हो कि बस मैं किसी तरीके से जो है ना अजीब बन जाऊं। स्लिमिंग डिटॉक्स टी बनाने का तरीका बहुत आसान है, हर्बलेट के। अच्छा, मैं वेट के हवाले से, अगर तुम लोग कहते हो तो हम चल के स्लिमिंग टी बना लेते हैं। मैं तुम लोग को टी बनाना दिखा देती हूँ, सिखा देती हूँ, ठीक है। और जो है नौशीन, हवा इतनी तेज चल रही है कि थैंक यू मेरी जान। व्हाइटनिंग इन के साथ साथ ग्लो भी चाहिए, तो व्हाइटनिंग प्लस ग्लोइंग किट यूज करो। व्हाइटनिंग किट और व्हाइटनिंग प्लस ग्लोइंग किट में एक ही फर्क है कि आपका जो सिरम है ना वो डिफरेंट होता है, बस। व्हाइटनिंग किट में आपका व्हाइटनिंग सिरम होता है, व्हाइटनिंग प्लस ग्लोइंग किट में आपका व्हाइटनिंग प्लस ग्लोइंग सिरम होता है। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन पे भी कर सकते हो, बट वो सब जो एक हाइड्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है हीरा, ठीक है। तो वो जो एक क्रीम वाला मॉइस्चराइजर होता है वो एक डिफरेंट होता है, ठीक है। फेशियल हेयर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी। अच्छा, हर्बलाइट का हाइलाइटर भी बस इंशाल्लाह ताला लॉन्च होने वाला है, सैंपल मेरे पास पड़ा हुआ है कप से, हाइलाइटर सैंपल। और मैं बीच में मैंने यूज करके दिखाया भी था और फिर मैंने छोड़ दिया था, वैसे मैंने इसको फाइनल नहीं किया, बट फिर भी यूज करके दिखा देती हूँ। वैसे पता है सर्दी वाकई कराची में भी बहुत हो रही है। क्योंकि ये वाला मुझे लगा था कि अच्छा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अच्छा ना बन सकता है, तो फिर मैंने इसको फाइनल नहीं किया था, बट फिर भी बस एक सैंपल था, तो क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मैं चाह रही हूँ। जिस तरह मुझे पसंद है हाइलाइटर, बहुत ज्यादा ब्लिंगिंग, बहुत प्यारा सा, तो मैं वैसा ही चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसको फाइनल नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू ज़ाइमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अब मैं लाइव एंड करूं, मुझे बताओ। लाइव एंड कर दें अब। हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है कि बस मेरी जान, क्लेंजर और टोनर में तुम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। टोनर आपके पोर्स को जो है श्रिंक करता है, आपकी स्किन टोन अप करता है, स्किन का पीएच बैलेंस, ऑयल बैलेंस करता है। क्लेंजर आपकी स्किन को डीप क्लेंज करता है, स्किन को गंदगी, डर्ट, मट्टी, पोल्यूशन, बचा कुचा मेकअप, पोर्स को क्लीन करता है। तो ये दोनों जो है ना वो अलग अलग चीजें। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए ग्लो सिरम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। यार व्यूज इतने कम है ना कि मैं बोलूं कि यार टी, वरना मैं सच में टी बनाने चलती, क्योंकि आज जो है ना मेरी बहन भी आई हुई है और मेरे बेटे को वो देख रही है, तो मेरे पास टाइम है बहुत, ठीक है। एग्जैक्टली, मेरी स्किन बहुत ड्राई, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। सत्यानाश करती स्किन, हाँ, हवा जो है ना ये ड्राइनेस स्किन का वाकई सत्यानाश करती है, और स्पेशली हम जैसी ड्राई स्किन वालों के लिए तो बस, जिनकी ऑयली स्किन है वो बड़े खुश होते हैं ना कि हमारी स्किन ऑयली है तो अभी चलो थोड़ी सी ना ड्राई हो रही है। और ये जो मेरे बाल खड़े हो जा रहे हैं, मुझे बताओ इनका मैं क्या करूँ।
नहीं यार आज व्यूज मजे के नहीं थे ना, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हुआ तो फिर करती हूँ। ब्राइडल सोप सेंसिटिव स्किन, बच्चों बड़ों सबके लिए बेस्ट है, आपकी ब्राइटनिंग ग्लो के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, सबके लिए बहुत बेहतरीन है। बस अब मैं लाइव एंड करने लगी हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं कल आ जाऊँ, कल नहीं तो सैटरडे नाइट को ज़रूर आऊँगी और संडे को भी ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, नहीं, अच्छा जी भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। अब नेक्स्ट हम आज बस मैंने वैसे भी सोचा था कि वैसे चली जाती हूँ, थोड़ा सा मेकअप वेकअप दे दिखा दूंगी करके, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं मेकअप को बड़ा एंड पे रखती हूँ और यू नो स्किन केयर का ज़्यादा कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज हम मेकअप का करेंगे। और मेकअप तुम लोग देख सकते हो कितना फ्लॉलेस है, मुझे लग रहा है मैंने सही से नोज के पास से आईलाइनर को लगाया या नहीं, बट मेकअप कितना फ्लॉलेस है, कितना स्मूथ, कितना अमेजिंग। और मैट मूस का यही वो है कि बहुत ज्यादा अगर ग्लोई नहीं है तो मैट भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट स्मूथ है, बहुत अमेजिंग है लिटरली। रिव्यूज के स्क्रीनशॉट तुम लोग देखना, मेकअप को लॉन्च हुआ है अभी एक महीना हुआ है शायद, एक महीना भी नहीं हुआ पूरा, और लोगों के रिव्यूज देखो माशाल्लाह, जो लोग बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे थे वो लोग ग्लैम हब पर आ गए। टी ट्री ऑयली एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट है, सैफ्रॉन क्लेंजर वैसे ऑल स्किन टाइप है, दोनों अलग अलग चीजें। फेस वॉश आप अपनी स्किन टाइप का चूज कर लो, हर्बलेट के हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग फेस वॉशेज हैं, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, लूज स्किन के लिए, सबके लिए अलग है। नहीं, विदाउट वेट ब्रश भी आप कर सकते हो रीबा, इट्स अ वेरी इजी फाउंडेशन। अच्छा ठीक है, अब बस अब मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच तुम सब लोगों का जो मुझे इस टाइम ज्वाइन किया, मेरे साथ रहे, इतनी तारीफें की, इतने रिव्यूज दिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और जितने लोगों ने यहाँ पे रिव्यूज दिए सब जल्दी जल्दी जाके अपने रिव्यूज पोस्ट कर दो हमारे ग्रुप एंड पेज पे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।